जेएनके वॉलीबॉल एसोसिएशन स्पोर्ट्स काउंसिल अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ये 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जम्मू में कराई जा रही है। इसमें 52 टीमें 52 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। 26 स्टेट्स के दोनों मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। आप जानते हैं कि जेएनके गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है। माई यूथ माई प्राइड है, फिट इंडिया है, नशा मुक्त अभियान है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है। और इसमें मेन मकसद इसका है कि यूथ को मिलिटेंसी से दूर रखना, ड्रग से दूर रखना और समाज की और भी अनेक बुराइयों से यूथ को दूर रखना। इसी सिलसिले में ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो नेशनल लेवल टूर्नामेंट है इसको काफ़ी सालों बाद हम होस्ट कर रहे हैं, जिसमें जेके वॉलीबॉल एसोसिएशन उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पेट्रन राज जलूजा साहब यहाँ बैठे, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। बहुत मेहनत की गई है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक ये टूर्नामेंट यहाँ होस्ट किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 1000 प्लेयर्स और ऑफिशियल्स ये मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। 6 वॉलीबॉल कोर्ट्स यहाँ बनाए गए हैं, 3 कोर्ट्स स्टेडियम के अंदर और 3 कोर्ट्स स्टेडियम के बाहर, और सभी कोर्ट्स फ्लडलिट हैं। तकरीबन 40 मैचेस रोज यहाँ पे खेले जाएंगे, जिसमें ये सारी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। खास तौर से आज मैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का और स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हमारी मदद की है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बहुत अहम रोल अदा किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, एक्साइज एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है, जिनके पुलिस की टीम्स यहाँ लगी हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, NHPC, LIC, JK बैंक और ख़ास तौर से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत हमें सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें तकरीबन 800 खिलाड़ियों के रहने का इंतज़ाम जो श्राइन बोर्ड के जो धाम है यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास उनमें किया गया है।